हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू द डेस्क देवा इंग्लिश स्पोकन क्लास। फ्रेंड्स, चाहिए हम हिंदी में किस किस तरह के सेंटेंसेस में हम चाहिए का इस्तेमाल करते हैं। जैसे मुझे एक पेन चाहिए, आपको जाना चाहिए, या एक पेन चाहता हूँ, मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। मीन्स चाहिए वाले हम इन तीन तरीके से सेंटेंसेस को बोल सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं। सो इसको हम इंग्लिश में कैसे एक्सप्रेस करेंगे वही आज हम सीखेंगे। फ्रेंड्स, चाहिए वाले सेंटेंसेस हिंदी में हम कई तरीके से बोलते हैं, तो उन सारे हिंदी सेंटेंसेस को जिसमें हम चाहिए करके बोलते हैं उसका हम आज इंग्लिश बनाना सीखेंगे। ओके फ्रेंड्स, ये तीन सेंटेंसेस है जिससे आपको पता चल जाएगा, समझ में आ जाएगा कि चाहिए का इस्तेमाल हम किस तरीके से करते हैं हिंदी सेंटेंसेस में, फिर उसके बाद हम इसका इंग्लिश बनाना सीखेंगे। तो मुझे एक पेन चाहिए, मुझे एक पेन चाहिए, या हम ऐसे भी कह सकते हैं कि मुझे पेन की ज़रूरत है। ओके फ्रेंड्स, आपको जाना चाहिए, या हम ऐसे भी कह सकते हैं कि आपको जाने की ज़रूरत है, वो मुझसे मिलना चाहता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इन तीन तरह के सेंटेंस हैं जिसमें हम चाहिए का इस्तेमाल करते हैं और उसका इंग्लिश बनाना हम अभी सीखेंगे। मुझे एक पेन चाहिए, तो सिंपल है, अगर हम इसको बोलें कि मुझे पेन की ज़रूरत है तो आपको तुरंत समझ में आ जाएगा कि ये नीड वाला सेंटेंस है। ओके फ्रेंड्स, तो नीड वाला जिसमें भी किसी भी वस्तु की रिक्वायर होती है, डिमांड होती है, और उसमें वर्ब नहीं आ रहा है तो हम उसको नीड से बनाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो मुझे एक पेन चाहिए, इसमें कोई वर्ब नहीं है, सिर्फ पेन चाहिए, ऑब्जेक्ट की रिक्वायर है। ओके, तो आई नीड अ पेन। दूसरा है आपको जाना चाहिए। ओके, तो ये अलग हो गया सेंटेंस, ये अलग तरह की सेंटेंस हो गई। ये मुझे पेन चाहिए, इसमें ऑब्जेक्ट की, किसी भी ऑब्जेक्ट की रिक्वायर हो रही है, डिमांड हो रही है। और आपको जाना चाहिए, इसमें हम किसी को सजेस्ट कर रहे हैं, मीन्स किसी को हम सलाह दे रहे हैं कि आपको ऐसा करना चाहिए। ओके फ्रेंड्स, तो जिस सेंटेंस से भी ये बोध हो, ये पता चले कि हम किसी को सलाह दे रहे हैं, किसी को सलाह देने की बात कर रहे हैं, हम सजेस्ट कर रहे हैं, तो उसमें हम चाहिए के लिए शुड या मस्ट लगाते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो आपको जाना चाहिए, तो यू शुड गो। ठीक है, अगर हम इस तरह की बातों को हम ज़्यादा जोर देकर बोलते हैं तो उसमें होगा यू मस्ट गो। मतलब आपको जाना ही चाहिए, मतलब आपको ज़रूर जाना चाहिए, आपको अवश्य जाना चाहिए, तो इसमें हम यू मस्ट गो का इस्तेमाल करेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो ये दो चीज़ कंप्लीट हो गया, आपका क्लियर हो गया कि ये किसी भी ऑब्जेक्ट, जो पहला सेंटेंस है इसमें किसी भी ऑब्जेक्ट की डिमांड हो रही है, रिक्वायर हो रही है, मांग हो रही है, तो उसमें हम नीड से बनाएंगे, चाहिए अगर होगा तो। जैसे मुझे एक पेन चाहिए, आई नीड अ पेन, उसे एक किताब चाहिए, ही नीड्स अ बुक। बच्चों को खिलौने चाहिए, चिल्ड्रन नीड टॉयज। आपको किताब चाहिए, यू नीड अ बुक। कि आपको जाना चाहिए, यू शुड गो। आपको जाना ही चाहिए, यू मस्ट गो। उसे ये करना चाहिए, ही शुड डू दिस। आपको यह करना ही चाहिए, यू मस्ट डू दिस। ओके फ्रेंड्स, तो इस तरह के अगर चाहिए सेंटेंस वाले जिसमें हम किसी को सजेशन कर रहे होते हैं, सजेस्ट कर रहे होते हैं, किसी को सजेशन दे रहे होते हैं, तो उसको हम शुड या मस्ट से बनाएंगे। ओके फ्रेंड्स, अभी तीसरा हो गया, वह मुझसे मिलना चाहता है। तो वह मुझसे मिलना चाहता है, दिस इज द सेंटेंस फ्रॉम द पास्ट प्रेजेंट इनफिनिट टेंस। ओके फ्रेंड्स, तो प्रेजेंट इनफिनिट टेंस का अगर फॉर्मूला आपको पता होगा, अगर आपने वीडियो देखा होगा टेंस का, और प्रेजेंट इनफिनिट टेंस के बारे में आपको जानकारी होगी तो पता होगा आपको कि इसमें मिलना चाहना, दिस इज चाहना, यहाँ पे वर्ब हो जा रहा है, वर्ब यानी क्रिया के रूप में काम कर रहा है ये, इसलिए यहाँ पर चाहना के लिए हम वॉन्ट लिखते हैं। ओके फ्रेंड्स, वॉन्ट, तो यहाँ पर हो जाएगा वो मुझसे मिलना चाहता है, ही वॉन्ट्स। चूँकि ये प्रेजेंट इन्फिनिट टेंस का सेंटेंस है, तो प्रेजेंट इन्फिनिट टेंस के सेंटेंस में जो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट अगर होता है तो उसके हम वर्ब में वॉन्ट्स यानी कि एस या एस लगाते हैं, तो इसमें हम वॉन्ट्स लिखेंगे, ही वॉन्ट्स टू मीट मी। ओके फ्रेंड्स, इस तरह से हम कोई भी सेंटेंस बनाएंगे, जैसे वह खेलना चाहता है, वह खेलना चाहता है, तो ही वॉन्ट्स टू प्ले। ओके, मैं गीत गाना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू सिंग अ सॉन्ग। ओके, मेरे पिताजी मुंबई जाना चाहते हैं, माई फादर वॉन्ट्स टू गो टू मुंबई। ओके फ्रेंड्स, मेरा भाई
पढ़ना चाहता है, माई ब्रदर वॉन्ट्स टू रीड। मेरे ख्याल से ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि जो भी हिंदी सेंटेंस चाहिए से बनता है या चाहिए के लिए हम क्या क्या इंग्लिश वर्ड्स इस्तेमाल करते हैं, ये आपको अभी समझ में आ गया होगा। ओके फ्रेंड्स, तो अब तक हमारा वीडियो देखने के लिए थैंक्स, थैंक्स अ लॉट एंड धन्यवाद।